आप सभी का हार्दिक अभिवादन। यह आवाज रेडियो और इस बार के टोक्यो ओलंपिक आप सुन चुके हैं। रेड की कमान दो नंबर के जस्सी में लेकर के जबलपुर की रेड है, निगाहें रखिए, मनोहर आए हैं। पहली रेड में सामने से आकर के ब्लॉक किया, आक्रामक टैकल इस बार छह नंबर के जस्सी के खिलाड़ी। बात करें सामने से ब्लॉक सचिन का, राधे श्याम जरिया और पूरा डिफेंस का सपोर्ट। लाल अब रेड आई है इस समय लकी वंडर्स की, लकी वंडर्स ब्लैक और रेड कलर की जर्सी में। मिहिर गुर्जर नेशनल प्लेयर, जूनियर नेशनल खेल चुके हैं तेलंगाना में। बोनस वाइज मिला है समय। और हमारे देश से कबड्डी के लिए बहुत ही एक कायदा समर्पित दर्शक शंकर भाई अंजाना आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिवादन। कबड्डी के लिए क्षेत्रीय ने पूरे मध्य प्रदेश में जो आप कहीं भी आयोजन हो आपकी उपस्थिति देखने को मिलती है, ऐसे दर्शक को आगे बढ़ाया करते हैं। फिलहाल देखना होगा इस समय स्कोर, आइए देखें। इस समय जबलपुर एक पॉइंट पे, इंदौर दो पॉइंट पे। तुलसीराम जा कहीं भी हो या आ जाए मंच के पास, तुलसीराम। बात बात क्षेत्र की पावन धरातल है ये, क्या कहने बड़नगर जिसका इतिहास समृद्ध रहा हो, वो बड़नगर की आतिथ्य है। फिलहाल भवानी राजपूत प्रो कबड्डी सितारा आपके बड़नगर में रेड करने के लिए इस समय। हाल ही में तमिल तलाइवा में खेले अजय ठाकुर और कई बड़े सितारों के साथ भवानी इस समय। इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जिन सम्मानी साथियों ने हमें तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है, हम उनके नाम या मंच से लेना चाहते हैं। श्री सुशील जी गोदा, श्री मुकेश जी मोरवाल, श्री पुनीत जी जैन, श्री रघुनाथ जी भंडारे, श्री सुभाष जी गुप्ते, श्री उमा शंकर जी मेहता, श्री मनोज जी जैन, श्री रईस भाई सावे शेडिंग, श्री सुनील जी जायसवाल, श्री रज्जू भाई राजू भैया सराफ युवा उद्योगपति, श्री संजय जी पाटोदी युवा उद्योगपति, श्री अलीम भाई कबाड़ी, श्री रजाक भाई दलाल, श्री रतनलाल जी चौधरी साहब मिसाबंदी, श्री आनंद जी गोयल, श्री लक्की जी गोदा, श्री ब्रजमोहन जी निमा, श्री गौरव कोल्ड ड्रिंक्स, श्री महेश जी गिरधाणी, श्री विनय जी शर्मा हीरो होंडा शोरूम, श्री राजेंद्र जी दंगवाड़वाला, श्री सादिक भाई गगन गैस, श्री डॉक्टर ताहिर अली जी, श्री नसीर चाचा बड़ी वाले, श्री सांवरिया मेडिकल स्टोर, श्री बाबू भाई गोहरा, श्री अभय जी टोमिया, श्री दिलीप वर्धमान जी जैन, श्री राहुल कृष्णदास जी नीमा, श्री जीतन जी बहुत ही शानदार मुकाबला है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जबलपुर वर्सेस लकी वंडर इंदौर, सुपरस्टार जबलपुर एकेडमी वर्सेस लकी वंडर इंदौर। प्रवीण जी यादव, श्री डॉक्टर डी के विश्वास, श्री अतुल जी पलवा साहब, श्री अंबाराम जी सिरली, जबलपुर एकेडमी सिंह जी राजावत साहब, लकी वंडर इंदौर, श्री देवेंद्र जी धवाई, यशवंत यादव रेडिंग करते हुए दोस्तों जर्सी नंबर 7, कप्तान झमरिया, श्री मनोहर जी धवाई, श्री विजय जी धवाई, उमराव सिंह जी यादव साहब, श्री रामदयाल जी यादव, श्री मुकेश जी यादव, और हम इनका शाइनिंग क्लब परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय हमारे तमाम व्यक्ति स्कोर आइए देखें। हमारे 5 पॉइंट पे लकी वंडर्स इंदौर, 2 पे इस समय क्या कहने जबलपुर, 5-2 का स्कोर। शुरुआती लम्हा है, निगाहें रखिए, बड़ा मुकाम। नरेंद्र जी राठौड़ पूर्व पालिका अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं मंच पर पधारने का कष्ट करें। और इसी के बीच रेल उपभोक्ता संघ से हमारे पधारे श्री राजकुमार जी जैन साहब, आदरणीय लाठी साहब, मैं उनका भी, संग्राम सिंह जी पवार साहब, उनका भी शाइनिंग क्लब परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और भी समस्त सम्माननीय खेल प्रेमी दर्शकों का जिन तक मेरी नजरें नहीं पहुँच पा रही है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ शाइनिंग क्लब के जगमगाते एरिने में। श्रीमती जी यादव की ओर से भी 500 रुपए का पुरस्कार, सॉरी 500 रुपए हमें सहयोग राशि प्रदान की गई है इस प्रतियोगिता के लिए। संस्था उत्साह
प्रकट करती है। धन्यवाद। राज 7 पॉइंट पे इंदौर वंडर्स और 2 पॉइंट पे इस समय बात करें स्टार एकेडमी जबलपुर। 4 नंबर की सिटी में इंदौर वंडर्स के बीच आई है। बात करें लकी वंडर्स और इसी बीच हमारे सुमित जी व्यास साहब के पंडित सुमित जी व्यास साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत ही शानदार दोस्तों, सुपर राइड भवानी राजपूत 3 पॉइंट मिले दोस्तों। प्रो कबड्डी खिलाड़ी दोस्तों भवानी राजपूत रेडिंग करते हुए टू पॉइंट दोस्तों भवानी राजपूत सिंह 2 पॉइंट। थ्री पॉइंट दोस्तों जबलपुर 3 पॉइंट ऑल आउट हो चुके हैं। लकी वंडर इंदौर 3 पॉइंट दोस्तों जबलपुर। लकी वंडर इंदौर 9 पॉइंट पे, 16 पॉइंट पे दोस्तों स्टार एकेडमी जबलपुर 16 पॉइंट पे। खूब ही शानदार रोमांचक मैच चलता हो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और जो भी भाई नए हैं अपने चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। प्रो कबड्डी के खिलाड़ी दोस्तों भवानी सिंह राजपूत रेडिंग करते हुए जबलपुर की ओर से। हमारी रेड की कमान लेते हुए प्रो कबड्डी सितारा जबलपुर की टीम की तरफ से बोनस मिला है भवानी को। हेलो लास्ट पॉइंट बॉल फर्स्ट गेम बॉल मैच 1 पॉइंट दोस्तों रसूलगंज बोथ कैप्टन की सेंडियो टीम के लिए कोर्ट नंबर 2 ऑब्जर्वर फॉलोस रेफरी मुकेश जाट फ्रॉम मतलब एंपायर कैलाश पाटीदार फ्रॉम नागदा अंकित जोशी एंपायर फ्रॉम तिवरनी महेंद्र देवड़ा जी स्कोरर फ्रॉम बड़नगर रविंद्र यादव टाइमर एम्पायर फ्रॉम फ्रॉम नागदा लक्ष्मण गीते थर्डर एम्पायर फ्रॉम इंदौर ऑल ऑफ द विकेट का रन कोड नंबर 2 इसके लकी वंडर इंदौर के दौर से दोस्तों यशवंत यादव रेडिंग करते हुए। खूब ही शानदार खिलाड़ी दोस्तों ये जिन्होंने
18 पॉइंट पे जबलपुर और 11 पॉइंट पे इस समय। दूसरी तरफ इंदौर की लकी वंडर्स भवानी राजपूत लेकर के इस समय रोक कबड्डी सतारा इस समय देखते। देखिए जो भी दर्शक अंदर आ गए हैं आपके वंडर्स के निवेदन को बोले बहुत ही शानदार मीटिंग चलता हो दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों, टोटल 2.1+2 टोटल 3 पॉइंट मिले दोस्तों। लकी वंडर इंदौर 3 पॉइंट। भवानी राजपूत दोस्तों प्रो कबड्डी के खिलाड़ी जबलपुर की ओर से रेडिंग करते हुए खूब ही शानदार। आखिर प्रो तो प्रो होता है दोस्तों, झलक आपको देखने के लिए मिली गई होंगी। जर्सी नंबर 9 भवानी सिंह राजपूत बोनस पॉइंट दोस्तों। लकी वंडर इंदौर की ओर से दोस्तों यशवंत यादव, ये भी कोई प्रो से कम नहीं है दोस्तों। जर्सी नंबर 7 यशवंत यादव, राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी खेल चुके हैं दोस्तों ये यशवंत यादव। बहुत ही शानदार मैच चलता हो दोस्तों। 1 पॉइंट दोस्तों जबलपुर। मध्यांतर में हमारे अतिथियों को मैदान पर लेकर पहुंचने की जिम्मेदारी सब्दू जी। दोस्तों ये भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों, भैया आपको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार कबड्डी चलते हुए दोस्तों स्टार एकेडमी जबलपुर वर्सेस लकी वंडर इंदौर के बीच में काफी शानदार मैच है। आमने सामने एक तरफ यशवंत यादव, मेघिन गुर्जर, राधे श्याम जरिया, दूसरी तरफ नगर बात करे निगाहें रखिए भवानी राजपूत के। आवाज थोड़ी बेहतर कर दे हमारे सामने दिया, आवाज कम करे और सेट करें इसके ऊपर। फिलहाल देखना होगा इस समय रेट की कमान लेकर के बहुत ही शानदार मुकाबला है। इतना कुछ होगी आवाज की सेट करके बेहतरीन मेजबानी शानी क्लब की रेट की कमान लेकर आए भवानी राजपूत। इस बार तरल तराइवा में खेले मध्य प्रदेश का इकलौता सितारा था इस बार प्रो कबड्डी में, ये वही सितारा है अर्दा से निकल करके नर्मदा अंचल से जिन्होंने प्रो कबड्डी तक का सफर तय किया है। फिलहाल इस्तेमाल करके निकलना चाहते थे, शाइनिंग क्लब की क्या खूबसूरत मेजबानी है। भवानी सिंह राजपूत नाम तो पूरा लेना ही पड़ेंगे दोस्तों, वैसे मेरा नाम लेने का अधिकार नहीं है दोस्तों उनका, लेकिन फिर भी भवानी भाई के नाम 2 पॉइंट। आखिर प्रो कबड्डी की झलक दोस्तों दिखा दी उन्होंने। वन पॉइंट दोस्तों। मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं एमआरडी कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल। अगर एमआरडी कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और हमारे साथ है हमारे लेफ्री साहब नंद किशोर धाकर सर जी, सर आई कर दो। जबलपुर के खिलाफ इंदौर खिलाफ वेट आई है इस समय इंदौर लकी वंडर्स की रेड है। देखना होगा लकी वंडर्स के लिए 2 नंबर की जर्सी में वेट की कमान लेकर के देखना होगा क्या रणनीति रहेगी। वन पॉइंट दोस्तों, 1 पॉइंट दिए ऑफिशियल ने जबलपुर स्टार एकेडमी जबलपुर 1 पॉइंट। और वन प्लस टू 3 पॉइंट दोस्तों, जबलपुर लकी वंडर इंदौर ऑल आउट हो चुकी है। और 14 पॉइंट भाई अमित जी, अमित जी अचानक
अमित जी आचार्य टेंट हाउस पर मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत मंच पर आकर संपर्क करें भाई अमित जी आचार्य। 2 पॉइंट दोस्तों, लकी वंडर इंदौर 2 पॉइंट। इंदौर श्री भवानी राजपूत खिलाड़ी समित हरावा, जबलपुर श्री मुकेश पवार खिलाड़ी जूनियर इंडियन टीम खिलाड़ी 2004 मलेशिया में खेल चुके हैं भाई मुकेश पवार, आज हमें सब सम्मान में खिलाड़ियों का साइन का परिवार की ओर से आज अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बाकी हुए आपकी टीम की मेहनत और सारी क्लब की इच्छा शक्ति समर्पण और संजीदगी ने आयोजन को इतना विराट आकार दे दिया है। हमारे रीवा जिले की धड़कन माननीय शांति लाल जी भाई साहब, लोकप्रिय पूर्व विधायक और जनप्रिय नेता का आत्मन है, मैच का आनंद लेते हुए और गढ़नगर में बाबू जी और टाइगर के नाम से लोकप्रिय है हमारे माननीय बाबू जी शांति लाल जी भाई साहब। और देखना होगा उस समय रेट की जवान इस समय से बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों में सिखाओं से सुसज्जित है। एक तरफ टीम अगर बात करे भवानी राजपूत प्रो कबड्डी सितारा, दूसरी तरफ यशवंत यादव जैसे बड़े सितारे हैं। देखना होगा इस समय टू वो टाइम है, 5 नंबर की जैसे में लेकर के बड़ा मुकाबला इंदौर लकी वंडर्स के लिए। रेट की कमान पे है जितेंद्र, इस समय बहुत ही रेडर की रेडर को बहुत ही शानदार दोस्तों, दोनों ही टीम सुपर दोस्तों, मतलब कि टाइगर वर्सेस टाइगर। एक तरफ है यशवंत यादव राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ है प्रो कबड्डी खिलाड़ी भवानी भैया। यशवंत यादव इंडिया कैंप कर चुके पॉइंट लेकर आए इंदौर के लिए, वहां बेटियां आपके सामने हो रही वसीला गंज और इंदौर की, वहां कैंसर दीक्षित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है प्राची यादव वसीला लगे खेल चुकी है, लेकिन वहां और यहां दोनों में रोमांच सार्थकता के करते हैं। वेट की कमान 4 नंबर के जैसी में अनिल चौहान लेकर इंदौर के खिलाफ, देखना होगा इस समय जबलपुर की रेट और अब इंदौर की रेड आई सर, बड़ा मुकाबला 4 पॉइंट पे है इंदौर लकी वंडर्स और 29 पॉइंट पे जबलपुर, दो बड़ी टीमों का मुकाबला है। सेमी फाइनल यहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में दोनों ही एंट्री रेड करके वापस गए हैं और अब 4 नंबर की जैसी में जबलपुर की रेड अंदर वाले अंदर कृपया दोनों टीमें तैयार हो जाए। बड़ा मुकाबला होने वाला है होम टीम राष्ट्रप्रेमी का समय, राष्ट्रप्रेमी ने कांटे की चक्कर में डकाचा को हराया, आखिरी लम्हों में आकाश भावसार और जीतू यादव के सुपुर टैकल के सहारे में शानदार टैकल इंदौर का, सामने से आकर ब्लॉक किया खूबसूरती से इंदौर 19 के एक और दीवाराई, अब इंदौर की दीवाराई में डाली गई समय यशवंत यादव नेशनल प्लेयर इंडिया कैप कर चुके यशवंत सुपर टैकल में, देखना होगा इस समय लेफ्ट विंगर है अयोध्या नेशनल खेल चुके हैं, देखना होगा यशवंत ने कमाल किया पॉइंट लेकर आए इस समय इंदौर, अब धीरे धीरे वापसी की भी गोल इंदौर 20 पे 29 पे जबलपुर, 5 रन 9 पॉइंट का 20-29 का स्कोर है। क्या शानदार मेजबानी हमारी पूरी ऑफिसियल टीम जैसी शर्मा साहब के मार्गदर्शन में और आयोजन इतना रहा है बड़नगर में, क्रिकेट की ग्राउंड के तेज जबलपुर की तरफ से जबलपुर 29 पे और 20 पॉइंट पे इंदौर लकी वंडर्स, लकी वंडर्स पूरे वाली समय अनुभवी खिलाड़ी 4 नंबर की जैसी अनिल चौहान, देखना होगा सुपर टैकल ऑन दोनों कॉर्नर है सुपर टैकल में अनिल चौहान, 8 नंबर की जस्टी में एक तरफ है रविंदर, दूसरी तरफ अगर बात करें कॉर्नर के झुके रहा है इंग्लैंड का डबल,
वन प्लस टू टोटल थ्री पॉइंट दोस्तों जबलपुर। जबलपुर 31 पे और 20 पॉइंट पे इंदौर, फासला 11 पॉइंट जबलपुर के पक्ष में इस समय। प्रो कबड्डी सितारा भवानी राजपूत आए हैं एक पे, तमिल खिलाड़ियों की तरफ से आपने देखा होगा इन्हें प्रो कबड्डी में इस सीजन भवानी राजपूत इस समय। और एक हमारा सितारा मुख्य मंच पे है महेश गौर, आप देखना होगा इस समय कितने विजय हवा में उठेगी। 31-20 का स्कोर, 2 पॉइंट और जो 34 पॉइंट फुटवर्क है सेंटर में है इस समय भवानी राजपूत, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में देखना होगा इस समय। 20-33 फासला 13 पॉइंट का, बड़ी लीड इस समय जबलपुर के पक्ष में। क्या लकी वंडर्स की वापसी होगी, दो बराबरी की टीमें हैं, लकी वंडर्स का भी दबदबा रहा है कबड्डी में और जबलपुर पिछले 2-3 सालों में स्टार एकेडमी ने जो बादशाहत दिखाई है वो काबिले तक। महेश गौर की टीम प्रो कबड्डी खिलाड़ी है, फिलहाल भवानी राजपूत मेरे एक प्रो कबड्डी खिलाड़ी। बड़नगर की पावन धरातल है इस समय, चमकते कबड्डी के सितारों को अपनी आगोश में लिया हुआ। फिलहाल मुजूर गुर्जर आए हैं समर एक पे, इंटरनेशनल इनके नाम है मिहिर पांच के डिफेंस में शानदार टैकल इस बार, क्या कहने। 1 पॉइंट दोस्तों जबलपुर, 1 पॉइंट जबलपुर। 20 पॉइंट लकी वंडर इंदौर, 34 पॉइंट जबलपुर। और भवानी राजपूत अहम किरदार अदा की है इस खिलाड़ी ने। हमारा ऑफिशियल पैनल जेसी शर्मा साहब रेफरी बोर्ड के चेयरमैन, इंटरनेशनल निर्णायक और क्या शानदार आरती, साथ पतिराज सिंह जी, नगेन साहब, जेस सरदार जी, घनश्याम जी, जाट साहब, पूरी टीम है, किशोर जी धाकर, रविंद्र जी यादव, उज्जैन बाकर संभाग के सचिव और राष्ट्रीय निर्णायक। और सबसे ज्यादा बधाई स्टारिंग क्लब के इस तमाम आयोजकों का। फिलहाल स्कोर आइए देखें और दर्शक टीम जीत रहे हैं 15 पॉइंट की लीड में इस समय जबलपुर की टीम। सरफानल में रेड पे है भवानी राजपूत इस समय, 1 और पॉइंट मिलेगा भवानी को। जबलपुर 36 पे 20 पे देखना होगा इस समय, 36-20 का स्कोर। मुकाबला क्या दिलचस्प स्थिति में है, बोनस पॉइंट लकी वंडर इंदौर, 1 पॉइंट जबलपुर। काफी शानदार मैच चलता हो दोस्तों जबलपुर वर्सेस लकी वंडर इंदौर। 39-21 का स्कोर उस समय, आसानी से पॉइंट लिखा रहा है इस समय वेडर। आखिरी 5 मिनट का संकेत देखना होगा, यशवंत यादव का जगमगाती नैया के तरहार बन पाएंगे। 2 पॉइंट दोस्तों यशवंत यादव के नाम, 2 पॉइंट। 23 पॉइंट पे इंदौर और 39 पे जबलपुर, फासला 16 पॉइंट का, बड़ी लीड है जबलपुर की। 23-39 का स्कोर इस समय, 23-40 का करीब के दो हमारे स्कोर। फिलहाल देखना होगा इस बार क्या कहने, ऐसे नहीं क्रो कबड्डी में नजर आता है ये चमक सिखाना। 3 पॉइंट दोस्तों भवानी की, 3 पॉइंट भवानी ने स्कोर देखे आपको, 43 जबलपुर और 23 इंदौर, फासला 20 पॉइंट का है। बोनस पॉइंट दोस्तों लकी वंडर इंदौर, बोनस पॉइंट। फिर से दोस्तों प्रो कबड्डी के स्टार
भवानी सिंह राजपूत कहते हैं कि करो तो खोल जमाना उड़ान देखता है, करो तो खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। यहाँ से आपको बड़े रेख रवि इंदौर के लिए क्या शानदार कोशिश, लेकिन मिहिर गुर्जर की उड़ान को नहीं रोकता है। एक और पॉइंट समय इंदौर को, स्कोर आगे देखे 25 मंजिल बहुत दूर है, आस्था बहुत ज्यादा, 25-43 का स्कोर। मिहिर गुर्जर बहुत कम सेकंड्स में पॉइंट लेकर आ रहे हैं, नेशनल प्लेयर है, जूनियर नेशनल तेलंगाना में खेलता है। जबलपुर की दो अढ़ाई में इस समय दो नंबर की जर्सी में लेकर आए हैं, दो अढ़ाई में इस समय मनोहर ने कर दिया कमाल। इस समय इंदौर के प्रिंस मान सिंह लगा दिए टू पॉइंट दोस्तों, जबलपुर स्टार स्टार जबलपुर एकेडमी टू पॉइंट हमेशा से बड़नगर खेल प्रति आत्मीयता लगाव रखता है, उसी क्या ये प्रतिफल इतना खूबसूरत आयोजन सारी क्लब की। वन पॉइंट दोस्तों, लकी वंडर इंदौर वन पॉइंट। कहते हैं कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है चंद आसमान का। वाकई में बेहतरीन मेजबानी है ये, हौसला बहुत ज्यादा, जीत के बराबर जबलपुर, जबलपुर 28 पे, इंदौर आगे जाऊंगा, इंदौर 28 पे, जबलपुर है दूसरी तरफ 45 के आखिरी मिनट का थे, आखिरी मिनट यानी कुछ सेकेंड से महल से जबलपुर को जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। 45-48 का स्कोर, यशवंत यादव हैट्रिक तैयारी है, लेकिन सिर्फ हार के अंतर को कम कर पाएंगे। 29 बात करूं और डाई रेट में जवाब लेकर आए हैं, दो ढाई रेट में लिखना होगा इस समय अंकित, बेहतरीन मुकाबला 29-45 में, ये है फासला जबलपुर के पक्ष में। जबलपुर जिसे महाकौशल संस्कार धानी ऐसे शब्दों से जाना जाता रहा है, और वो जबलपुर में पहुंच गए हैं। तालियां बजाएं दोनों टीम के लिए, एक बार बहुत शानदार मेजबानी, फाइनल में पहुंची है जबलपुर, दोनों टीम शानदार है। आज तीन जबलपुर का था दोनों टीमों में से जो जीतने वाले थी टीम उसको 500 रुपए का पुरस्कार श्री सर्वेश कुमार जी की ओर से मिल गया था। हमारे